के बच्चे की पैदाइश हुई। चिड़ियाघर में मफलन भेड़ों की तादाद 32 हो गई है। चिड़ियाघर में 13 नर 13 मादा और 6 नन्हे मफलन भेड़े मौजूद हैं। अहम खबर है लाहौर चिड़ियाघर से, आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर चिड़ियाघर में मफलन भेड़ के बच्चे की पैदाइश हुई है। चिड़ियाघर में मफलन भेड़ों की तादाद 32 हो गई है। चिड़ियाघर में 13 नर 13 मादा और 6 नन्हे मफलन भेड़ भी मौजूद हैं। अहम खबर है जो आपको बता रहे हैं लाहौर चिड़ियाघर से, आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर चिड़ियाघर में मफलन भेड़ के बच्चे की पैदाइश हुई है। चिड़ियाघर में मफलन भेड़ों की तादाद अब 32 हो गई है। चिड़ियाघर से अपडेट करें आपको, चिड़ियाघर में जानवरों की फैमिलीज में एक और जानवर का इजाफा हुआ है। मफलन भेड़ के बच्चे की पैदाइश हुई और इस पैदाइश के बाद जो भेड़ों की तादाद है वो 32 हो चुकी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग रूबा अरूद से। रूबा बताइएगा, इस नन्हे भेड़ की पैदाइश हुई है, क्या इकदाम किए गए हैं चिड़ियाघर इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, लाहौर चिड़ियाघर में मफलिन शेप की पैदाइश के बाद जो टोटल मफलिन शेप से उनकी तादाद 32 हो गई है, जिसमें से 13 जो है वो नर मफलिन शेप से, 13 ही मादा नर मफलिन शेप से और 6 जो है वो बच्चे हैं, जिसके बाद लाहौर चिड़ियाघर की रौनकें बहाल हो गई। और आज वीकेंड भी है तो शायकीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और उनका यही कहना है कि लाहौर चिड़ियाघर में नए जानवर की आमद जो है वो खुशाइंद है, लेकिन इंतजामिया जो है वो बिगड़ जानवर भी लेके आएगी। जी नन्हे जानवर की आमद खुशाइंद है। रूबा अरूज हमें तफसीलात से आगाह करी थी। रूबा बहुत शुक्रिया आपका।